नमस्कार, फंडू मनी में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कैपिटल गेन्स टैक्स, आईपीओ लिस्टिंग गेन्स पे या लिस्टिंग गेन्स पे कैपिटल गेन्स टैक्स का क्या प्रभाव होता है, कैसे वो लागू होता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार पब्लिक को, जनता को पब्लिकली जब शेयर एक कंपनी अवेलेबल करती है, लिस्टिंग के लिए जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, तब कई निवेशकों का ये एम रहता है, लक्ष्य रहता है कि वो आईपीओ को सब्सक्राइब करें और उनको उसका एक हिस्सा मिले जो 2 लाख रुपए तक की अपर लिमिट है। और उसके वजह से जब लिस्ट करें तो गेन करें, ये काफ़ी बड़ा मोटिवेशन कई निवेशकों में रहता है। तो उसमें जो गेन करते हैं उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है और उस वजह से आपके निवेश करने का अप्रोच क्या रहेगा, उसके बारे में भी खास चर्चा करेंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये डिटेल्स को हम लेके आएंगे बस थोड़ी देर में। फंडो मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लिस्टिंग गेन्स के बारे में और उनके उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे लगता है, आईपीओ लिस्टिंग गेन्स उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स का प्रभाव, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार शेयर्स जब जनता को, पब्लिक को, आम जनता को उपलब्ध कराए जाते हैं, उस वहाँ जब लिस्टिंग होती है तब जो फ़ायदा होता है उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे लगता है, उसके बारे में हम कुछ डिटेल्स देंगे। और आईपीओ इन्वेस्टिंग के ऊपर क्योंकि ये क्यों ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईपीओज में, अगर आप लिस्टिंग पे ही आप लिस्टिंग होते वक्त अगर आप स्टॉक को बेच देते हैं, शेयर को बेच देते हैं, तो उसका क्या असर होता है। तो जाहिर है अगर ऐसा हुआ है तो एक साल के अंदर ये गेन आपने किया है, याद रखिए इसका शेयर का बेचना ज़रूरी है। जब वो बिकता है, अब जब आपने बेचा तब ही आप कैपिटल गेन्स टैक्स आपके लिए देना होता है। एक अगर आप नोशनल गेन करते हैं तब आपके लिए आप टैक्स लाइबल नहीं है। तो ये जब अगर आपने बेचा तो ये एक साल के अंदर गेन हुआ, तो ये गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, इसका मतलब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, और जो कि 15% है, जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर आप 15% आपको टैक्स देना होगा। तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि एक अपर लिमिट है आपके निवेश में, तो उसमें 15% आपको सरकार को देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर आप उस वक्त नहीं बेचते, कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि लिस्टिंग गेन नहीं हुई, जो जिस जहाँ पर प्राइस हुई है आपने वो आपने जो उम्मीद की थी वो उस हिसाब से नहीं हुई, या प्राइस गिर गई है तो मार्केट का हिसाब किताब उस जिस दिन लिस्ट हुआ ठीक कंडीशंस नहीं थे, या कुछ और पाया गया, ओवर वैल्यूड पाया गया, तो मान लीजिए फेवरेबल आउटकम नहीं होता, आप इंतज़ार करते हैं और एक साल तक इंतज़ार कर लेते हैं, तो उस एक साल के बाद जो आप कैपिटल गेन होता है आपको उस पर 1 लाख रुपये तक का आपको छूट है सालाना, जो कि रूल है, रेगुलेशन है। और उसके बाद 1 लाख रुपए से ऊपर जब कैपिटल गेन होता है उस पर 10% आपको क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। याद रखें ये आपके टोटल कैपिटल गेन के ऊपर है, सिर्फ यही नहीं है, यही एक निवेश है, जो एक्विटीज में आपके निवेश है सबके लिए ये ट्रीटमेंट है, राइट। नाउ मुद्दे की बात ये आती है कि अगर आपने एक साल तक इंतजारी करने की बारे में बात आ जाती है तो फिर आईपीओ में ही क्यों जाना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्यों जाना, आप उसको सेकेंडरी मार्केट में थोड़ा इंतज़ार करके सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, अगर 15% आपको देना ही है तो सवाल ये उठता है कि ये पूछना ज़रूरी बन जाता है कि आप निवेशक हैं कि ट्रेडर हैं, क्योंकि एक निवेशक जो होता है वो भागीदारी करता है लंबी अवधि तक एक कंपनी की, तो उसके प्रॉफिट्स के, उसके मुनाफे की भागीदारी में दिलचस्पी रखता है, उसे शेयर्स को होल्ड करके कैपिटल अप्रिसिएशन जो मिलता है उसमें भागीदारी फ़ायदे की सोचता है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन कर रहे हैं तो आप ट्रेडर की
कैटेगरी में आ जाते हैं, और अगर वो अब गेन करने की कोशिश करते हो, अगर एडवर्स कोई अनफेवरेबल आउटकम होता है, जैसे कि लिस्टिंग लिस्टिंग के वक्त फ़ायदा नहीं हुआ या आपको गेन उतना अच्छा नहीं मिला, तो फिर वो एडवर्स आउटकम के लिए आपको रेडी रहना होता है। और इसके अलावा आपको ये देखना है कि अगर आप IPO इन्वेस्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपका आप अगर आपकी उम्मीद कैसी है, और उस हिसाब से आपको उतने सक्सेस स्टोरीज होने ज़रूरी हैं, शेयर्स भी अलॉट होना है, लिस्टिंग गेन भी होना है, और इस तरीके से आगे आपको बढ़ना है। मान लीजिए अगर कुछ प्राइमरी मार्केट जैसे IPO में इन्वेस्टिंग किया, और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे आपने लिस्टेड कंपनीज में खरीद फरोख करने के बाद आपका लॉस हो जाता है, ओवरऑल कैपिटल लॉस, तो फिर उसको भी कैरी फॉरवर्ड करके फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है आपको 8 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स या असेसमेंट ईयर्स में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसके लिंक्स हम दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो ट्रीटमेंट है कैपिटल गेन्स टैक्स से जुड़ी हुई, स्पेशली इक्विटीज़ का, उसके भी हम लिंक्स यहाँ पे दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो इसका इम्प्लीकेशन निकलता है वो ये है कि अगर आप आपको ये सवाल पूछना है कि इस रिस्क और इतना टैक्स देने के लायक बात है जो जब आप किसी IPO में इन्वेस्ट करें, ये सिर्फ एक ही पहलू है, बाकी आप बिजनेस फैक्टर दूसरी चीज़ें भी देखते हैं, पर ये पहलू टैक्स का पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिस्क और जो टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है, क्या ये काफ़ी है उस निवेश के लिए जो आप करने वाले हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है जब आप यहाँ पे निवेश करते हैं। तो इसलिए आप जब अगर आप IPO इन्वेस्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपका रिसर्च आपका शोध बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ताकि आपके चांसेस बेहतर हो जाए कि आप निवेश में गेन करें। तो ये बहुत कॉमन टैलेंट नहीं है, ये अनकॉमन टैलेंट ही होता है, और गेन आप अमूमन तभी ज़्यादा करते हैं जब मार्केट्स अप रहता है, उसी वक्त भी IPOs आते हैं। और ये बहुत कॉमन है कि कई IPOs ऐसे पाए जाते हैं कि लिस्ट करने के कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते या कुछ महीनों बाद उस प्राइस से नीचे ही जाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। तो ये रिस्क और ये टैक्स ट्रीटमेंट को ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं जो कि हमने चर्चा की है जब आप IPO में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़ जाए हमारे साथ सारे लीडिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स में। अगली प्रस्तुति का इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।